विंध्य पर्वत के दक्षिण पूर्व में स्थित सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। सोन नदी के किनारे बसा सोनभद्र अपनी खनिज संपदाओं और ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रचलित है। यहाँ के वन और जंगल प्रकृति का वरदान है। प्रदेश का सबसे ज्यादा बड़ा वन क्षेत्र वाला सोनभद्र अपनी जनजातीय संस्कृति, कला और नृत्य का अनूठा संगम है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र के जनजातीय समुदाय की संस्कृति अत्यंत निश्चल और सांस्कृतिक रूप से परिपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली ताजी खुली हवा की तरह शुद्ध और सरल स्वभाव के जनजातीय समुदाय आज भी अपनी अनोखी पारंपरिक संस्कृति से समृद्ध है। उत्तर प्रदेश के सुदूर वन क्षेत्रों में कई जनजातीय समुदाय निवास करते हैं, जैसे भूटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी, पोल, अगरिया और थारू आदि, जिनमें से कुछ को भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी है, जिनमें से कई उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी और ललितपुर आदि क्षेत्रों में निवास करते हैं। हमारी सांस्कृतिक यात्रा में हम पहुंचे हैं जनजातीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार और पवित्र विंध्याचल धाम में। देवी विंध्यवासिनी को ये नाम मिला है विंध्य पर्वत श्रृंखला से, जिसका अर्थ है विंध्य में निवास करने वाली। विंध्यवासिनी देवी का ये शक्तिपीठ देवी सती के अंगों के गिरने से बने 51 शक्तिपीठों में से एक है। जंगलों के बीच में बना ये पवित्र स्थान इस क्षेत्र की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जय माँ विंध्यवासिनी। फिलहाल मैं विंध्यवासिनी मंदिर के प्रांगण में खड़ी हूँ और मेरे साथ है इस वक्त मंदिर के अध्यक्ष राजन पाठक जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी, मणिद्वीप वासिनी, माँ विंध्यवासिनी को सहस्र नाम से बताया गया। माँ विंध्यवासिनी ही वो हैं कि जिनको कई रूपों में भगवती कई रूप अंश में अवतरित हुई। दुर्गोपासना कल्पद्रुम में इनको हजारों नाम से बोला गया है, बताया गया है। माँ विंध्यवासिनी विंध्य क्षेत्रम परम दिव्यम नास्ति ब्रह्मांड गोल के विंध्याचल स्थानम सर्वोत्तम उत्तम स्थानम। मिर्जापुर में कैमूर पर्वत की उत्तरी दिशा में स्थित है चुनार का किला। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसे इस दुर्ग को राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, जिसका पुनः निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। 2000 साल पुराने इतिहास को समेटे हुए चुनार दुर्ग विक्रमादित्य के समय का एक जीता जागता उदाहरण है। उसके बाद यहाँ कई गुप्त और मौखरी राजाओं ने भी अपना अधिकार जताया और इसके अलावा यहाँ पर एक जेल भी है जिसे काल कोठरी के नाम से जाना जाता है। ये जगह उस समय की काल और संस्कृति को बखूबी दर्शाती है। मेरे ठीक पीछे इस वक्त वो जेल है जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था और इसकी सुंदरता भव्यता को देख के आप मान सकते हैं कि उस ज़माने में कितनी खूबसूरत थी और आज भी ये कितनी खूबसूरत है। और हमने आपसे कहा था कि नीचे एक काल कोठरी भी है जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था, जो कि काफ़ी अगर आप देखें तो इतनी ही सी ही इस जगह में से जितनी भी धूप रोशनी जो भी थी जाया करती थी। ठीक यहीं पर हमारे साइड में आप देखेंगे रानी सोनवा का यहाँ पे एक मंडप भी है जो कि काफ़ी भव्य है, बहुत खूबसूरत है। कई हज़ारों सालों के बाद भी इसकी भव्यता और खूबसूरती में कोई भी कमी नहीं आई है। हम आ पहुंचे हैं सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज में। पूरब से पश्चिम की ओर बहती सोन नदी और विंध्य पर्वत के दक्षिण पूर्वी सीमा में स्थित है सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला।
सोनभद्र क्षेत्र अपनी खनिज संपदाओं और ऊर्जा उत्पादन के कारण प्रदेश में तो प्रचलित है ही, साथ ही यहाँ की भौगोलिक सुंदरता और परिस्थिति वनवासियों के लिए प्रकृति का वरदान है। प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले सोनभद्र की जनजातीय संस्कृति की कला, नृत्य और गायन शैलियों में प्राकृतिक सुंदरता है। शायद इसीलिए क्योंकि वे प्रकृति के बहुत करीब हैं। नदियाँ, पहाड़ और वन यहाँ की संस्कृति के स्रोत रहे हैं। अब हम चलते हैं सोनभद्र की उन पहाड़ियों की तरफ जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानों में छुपा है मानव सभ्यता का शुरुआती इतिहास। आदि मानव काल से मानव संस्कृति और कलात्मक अभिव्यक्तियों के चिन्ह कैमूर की पहाड़ियों और गुफाओं में बिखरे हुए हैं। मानव सभ्यता की प्रागैतिहासिक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इतिहास से भी 15,000 साल पुरानी ये खूबसूरत रॉक पेंटिंग्स उस समय के आदि मानव संस्कृति का एक जीता जागता उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि इन पेंटिंग्स को गेरू, पेड़ से निकला हुआ दूध और जानवर की चर्बी को मिलाकर बांस के ब्रशेस से यहाँ इस तरीके से उतारा गया है, तभी शायद आज इतने हजारों वर्षों के बाद भी ये हमें देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये गेंडे का चित्र है और ये मानव है जो गेंडे का शिकार कर रहे हैं, और नीचे देखिए वो भी गेंडे का और जानवरों का, शेर का चित्र है। यहाँ जब यहाँ शिकार मिल जाता था तो सभी एक साथ होकर के नृत्य संगीत करते हुए वे आह्लाद प्रकट करते थे, हर्ष प्रकट करते थे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्जुन दास केसरी जी के साथ हूँ जो कि 1965 से जनजातियों पर शोध करते आ रहे हैं। इन्होंने 60 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं जो कि जनजातियों की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाते हैं। आपका जनजातियों में रुचि है, ये किस तरीके से शुरू हुई? मेरा कर्मनाशा नदी के किनारे आदिवासी बहुल पकरहट नामक गाँव में मैं रहता था और वहाँ आदिवासियों की संख्या ज़्यादा थी और तब नंग धड़ंग आदिवासी रहा करते थे और घर के मेरे आसपास रहते भी थे। वे नाचते थे, गाते थे, महुआ बीनने जाते थे, पत्ता तोड़ने जाते थे, जंगल में लकड़ी काटने जाते थे और नदी में जाकर जो है लकड़ी छान लाते थे। बहुत सारे उनके आयोजन थे जो पूजा पाठ, नृत्य संगीत से संबंधित थे। तो मुझको ऐसा लगा कि इनका जीवन सबसे थोड़ा भिन्न है और हमें इनके जीवन को ठीक से जानने और समझने का प्रयास करना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में लोग इनके बारे में जानते रहें। जी, इनकी संस्कृति, इनके गायन, इनके नृत्य, ये तो बहुत सारे होते होंगे, बहुत इन पे कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, इनका जो उधाई देवाई वाला जो इनका है मंत्र गीत कह सकते हैं उसको, वो मंत्र गीत इनका मुख्य है और इसके अतिरिक्त मनोरंजन के लिए, खेल कूद के लिए और वैवाहिक संबंधों के लिए भी ये नाचते गाते खेलते थे, कूदते थे और यहाँ तक कि वो उनकी शर्त होती थी किसी युवती की कि उड़ती हुई चिड़िया का शिकार करोगे तभी मैं आपके साथ शादी करूँगी। अच्छा, तो वो उड़ती हुई चिड़िया का शिकार तीर कमान से वो करके दिखा देते थे और तब शादी होती थी। इसी प्रकार से वो नृत्य जब करते थे, विशेष करके कर्मा नृत्य, तो युवतियाँ और युवक आमने सामने खड़ा होकर के पदचाप के साथ करते थे और जब दोनों एक दूसरे से मिलते थे, विशेष रूप से उनके अंगूठे, पैर के अंगूठे जब एक दूसरे से मिल जाते थे तब भी सबके साक्ष्य में उनका वैवाहिक संबंध वहाँ स्थापित हो जाता था और जीवन भर उस संबंध को निभाने की प्रतिज्ञा भी उसी समय वे ले लिया करते थे। क्या बात है। अच्छा, किस तरीके के गाने गाया करते थे वो, कुछ गा के सुनाइए आप हमें। देखिए, ऐसा है कि इनके बहुत सारे गीत हैं जी। और जीवन से संबंधित इनके गीत भी हैं।
उसे दो पंक्ति मैं आपको सुना रहा हूँ। सुखिया चिरैया रात सोए रे सजनी, दुखिया चिरैया रोए रात। अरे रो रो के करथो दुहाई, रो रो के करथो दुहाई, दर्द दे एक जो सुखमय जीवन जीने वाले सुविधा भोगी लोग हैं उनके ऊपर उनका करारा व्यंग है, और वो कह रहे हैं कि ये जो बड़े लोग हैं ये सुख की बढ़िया बढ़िया खिचड़ी बना के खाते हैं, हम दुखी लोग चिड़ई की तरह से चू 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 करते हुए किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे सैकड़ों उनके कर्मा के गीत हैं और विविधाओं के, जिनमें उनका जीवन दर्शन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अब हम पहुंचने वाले हैं रॉबर्ट्सगंज के जनजातीय वन क्षेत्र में स्थित घसिया जनजाति की छोटी छोटी बस्तियों में, जहां की सरल जीवन शैली और जनजातीय संगीत इनकी संस्कृति की पहचान है। इस नृत्य को झुमरा नृत्य कहते हैं। झुमरा नृत्य में महिला और पुरुष दोनों नृत्य करते हैं। ये नृत्य पारंपरिक वाद्य यंत्र मादल की ताल पर किया जाता है और जीवन से जुड़े गीत गाए जाते हैं। घसिया जनजाति के जीवन का अभिन्न अंग है महुआ का पेड़। इनके गीतों में भी महुआ का उल्लेख मिलता है, जिसके फल को ये जनजातीय समुदाय बहुत पसंद करते हैं। साथ ही इसका उपयोग शराब बनाने के लिए भी करते हैं। घसिया जनजातीय समुदाय के कलाकार द्वारा किया जाने वाला डोमकच नृत्य अपनी तरह का अनोखा है। इसमें वेशभूषा और आभूषण का विशेष प्रभाव रहता है और पैरों में पैजन पहन के ये नृत्य करते हैं। साथ ही पारंपरिक गीत भी गाए जाते हैं, जो संबंधों, कर्तव्यों और जीवन से जुड़े हुए होते हैं। विवाह, जन्म और त्योहारों आदि अवसरों पर किया जाने वाला ये नृत्य मादल वाद्य की ताल पे किया जाता है। डोमकच नृत्य में डफला, टैया, बांसुरी आदि वाद्यों का भी प्रयोग किया जाता है। अगरिया कारीगर वर्ग की जनजाति है, जो पहाड़ी वन क्षेत्रों में निवास करती है। पारंपरिक रूप से इस जनजाति के लोग लोहे के खनन और उसे पिघलाकर धातु बनाने का काम किया करते थे। कर्मा नृत्य को
करम देवता की पूजा के अवसर पर किया जाता है। दिवाली और दशहरे पर ये जनजातीय समुदाय के कलाकार पूरी रात गाते और इस नृत्य को करते हैं। फिर सुबह होने पर करम देवता के रूप में रखे वृक्ष के टुकड़े से सुख और शांति की कामना करते हुए उसे नदी या सरोवर में प्रवाहित करके आते हैं, जिसे ये करम सिरवाना कहते हैं। सोनभद्र क्षेत्र के कई जनजातीय समुदाय इसे अलग अलग रूप में प्रस्तुत करते हैं, पर इसका भाव एक ही होता है। कर्मा में आदिवासी जीवन और संस्कृति का परिचय मिलता है। ये उत्सव ऋतु गीत के साथ साथ पूजा गीत भी है, जो इन समुदायों की आस्था से जुड़े हैं। आइए चलते हैं जनजातियों के विशेषज्ञ डॉक्टर अर्जुन दास केसरी के पास। वो नृत्य जब करते थे, विशेष करके कर्मा नृत्य, तो युवतियाँ और युवक आमने सामने खड़ा होकर के पदचाप के साथ करते थे, और जब दोनों एक दूसरे से मिलते थे, विशेष रूप से उनके अंगूठे, पैर के अंगूठे जब एक दूसरे से मिल जाते थे, तब भी सबके साक्ष में उनका वैवाहिक संबंध वहाँ स्थापित हो जाता था, और जीवन भर उस संबंध को निभाने की प्रतिज्ञा भी उसी समय में ले लिया था। अर्जुन दास केसरी का जनजातीय संग्रहालय। अर्जुन दास केसरी जी ने जनजातीय समुदाय की संस्कृति को किताबों के माध्यम से संरक्षित करने के साथ साथ जनजातीय संस्कृति से जुड़ी दुर्लभ वस्तुओं का भी एक संग्रहालय बनाया है, जहां लुप्त होती कला और संस्कृति के बहुत सारे प्रमाण देखने को मिलते हैं। आज जब हम आदिवासियों के जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन डॉक्टर अर्जुन दास केसरी जी की पिछले 60 सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने इन सभी चीज़ों का संग्रह किया है, और इन्हें देखने के बाद हम आदिवासियों के जीवन शैली को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। डॉक्टर केसरी जी, यहाँ पे आपने सच में एक बहुत खूबसूरत म्यूजियम बना के रखा है। हम शुरू से जानना चाहेंगे, ये कठपुतलियाँ हैं, ये कब इस्तेमाल की जाती हैं और ये किस जाति की हैं? ये देखिए, ये कठपुतलियाँ हैं और बादी जात के लोग इसको बनाते हैं। ये देखिए, ये लाह का, यहाँ से लाह निकाला जाता है, निकाल करके आदिवासी इसे बनाते हैं। अच्छा। और औरतें बाहों में पहनती हैं ये, कान और नाक में पहनने वाला आभूषण है जी, जो ताड़ के पत्ते का बना हुआ है। अच्छा। ये डलिया है, इसमें तीर रखते हैं आदिवासी। ये उनका नटुआ जात के लोग, ये उनका तलवार वगैरह है। ये सारंगी है, जिसको स्वयं हाथ से वो बनाते हैं, इसको छोपा कहते हैं। वो ऐसे फैला करके पानी में जहाँ मछली होती है ऐसे रख देते हैं। अच्छा। और रख करके मछली उसमें फंस जाती है तो हाथ से निकाल लेते हैं। ये वाद्य यंत्र है जी। बहुत महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र भी है, इसको हुड़ुक बाजा कहते हैं। इस जनजातीय क्षेत्र में संस्कृति और सभ्यता के निशान हर जगह मिलते हैं। ऐसी ही जगह है सलखन जीवाश्म पार्क, जहां की धरती पर ऐसे कई रहस्य छुपे हैं। सलखन जीवाश्म पार्क में 150 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हैं, जिन पे दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। 25 हेक्टेयर में फैला ये पार्क दुनिया का सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क है। ये जीवाश्म पार्क पृथ्वी पर जीवन के विकास की आरंभिक अवस्था का प्रमाण प्रस्तुत करता है। यहाँ के जीवाश्म 1.5 अरब वर्ष प्राचीन इस क्षेत्र की संस्कृति को प्रमाणित करते हैं। सलखन फॉसिल पार्क विश्व का एक अजूबा है, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में आते हैं। मेरे पीछे जो आप ये फॉसिल्स देख रहे हैं, तकरीबन 150 करोड़ साल पुराने हैं।
वैज्ञानिकों ने जब इन फॉसिल्स को अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में मौजूद फॉसिल्स से कंपेयर किया तो ये पाया कि ये फॉसिल्स उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, जो कि इन्हें विश्व का नंबर वन फॉसिल बनाते हैं। देश विदेश से लोग, वैज्ञानिक और पर्यटक इस स्थल पर इन फॉसिल्स को देखने आते हैं। अब हम चल रहे हैं अगोरी किले की तरफ। अगोरी किले के आसपास के जंगलों में बसी हैं जनजातियां। अगोरी किला इस क्षेत्र के मुख्य ऐतिहासिक स्मारकों और सांस्कृतिक आकर्षणों में से एक है। इस किले को आदिवासी किला भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतिम शासक एक आदिवासी राजा थे। इसे हमले से सुरक्षित बनाने के लिए इसे तीन तरफ से नदियों के सिरों पर बनाया गया था। अगोरी गढ़ के नाम से जाना जाने वाला इसे अगोरी दुर्ग भी कहते हैं। ये जगह सोन नदी के किनारे एक खूबसूरत विरासत है। खरवार और चंदेल दोनों ही राज्यों का यहाँ शासन रहा है और ये जो किला है इसमें आपको एक खूबसूरत आर्किटेक्चर देखने को भी मिलेगा। किला दो हिस्सों में विभाजित है, आवासीय और शासकीय, जहाँ सेना भी रहती थी। किले में एक इंटरकनेक्टेडनेस है जिससे आवाज एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजती है। थकान दूर हो गए। ये सोन नदी है जिसके नाम पर सोनभद्र जिले का नाम पड़ा है और ये नदी पूरे सोनभद्र जिले में बहती हुई जाती है, जिसका लाभ सभी को मिलता है। सोनभद्र जिले की एक बहुत ही फेमस डिश है मकुनी, जिसे नाश्ते में खाया जाता है। हमने अभी से खाया है और इसे आलू और बैंगन के चोखे के साथ खाया जाता है और साथ में मिठास भरने के लिए जलेबी। हम तो जा रहे हैं, आप भी जरूर खाएगा। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के इस छोर की सीमा की तरफ। ये रास्ता हमें सीधे रेणुकूट ले जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा पहले बाईं तरफ जंगलों के कठिन रास्तों की तरफ चलते हैं। आपको शायद ही ऐसा महसूस हो कि यहाँ कोई रहता भी होगा। खुली हवा की तरह शुद्ध और सरल स्वभाव वाला उत्तर प्रदेश का जनजातीय समुदाय कला, संगीत, नृत्य और गायन की अनोखी पारंपरिक संस्कृति को संजोए हुए है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र के जनजातीय समुदाय को यहाँ का मूल निवासी माना गया है, जो रामायण और महाभारत काल के समय से यहाँ के पर्वतीय और वनों के निकट निवास करते हैं। यहाँ है चोपन क्षेत्र का गाँव गुरमुरा, जहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे छोटे छोटे घरों में बसे हैं कोटवार जनजातीय समुदाय के लोग, जिनकी सांस्कृतिक विविधता और सरलता आपको अचंभे में डाल देगी। जनसंख्या बढ़ाने में इन्हें कोई रोक नहीं सकता और खेतीहर जमीन है नहीं, इसलिए जीवन थोड़ा कठिन है, किंतु इन्होंने अपने पूरे जीवन को मनोरंजन से परिवर्तित कर दिया है, इससे इनका जीवन थोड़ा सरल हो गया है। अब ये अपना जनजातीय नृत्य व गायन प्रस्तुतियाँ शादी और ब्याह के मौके पर भी करते हैं, जिससे इन्हें कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। इनका नृत्य और संगीत
आपको मदमस्त कर देगा। आदिवासी जनजातियों का जीवन ऊपर से दिखने में काफी कठिन लगता है, लेकिन अगर आप इनसे मिले तो आप ये जानेंगे कि अपने कठिन जीवन को भी बहुत सरलता से व्यतीत कर देते हैं। इनकी जीवन शैली में एक सुर है, एक लय है, एक ताल है। कामानी इसलिए किया जाता है कि हम लोग के शीतला माँ चलाते हैं, वो शीतला माँ का पूजा करते हैं। जंगल का लकड़ी एक ठो पेड़ होता है कदम का, उस कदम का डाल लानते हैं। सात लड़की उपवास रहते हैं और ला कर आंगन पर गाड़ देते हैं और गाड़ कर रातों भर उसको सेवन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। और सुबेर होता है तो पूजा पंथा करते हैं खसी मुर्गा को और डाल को बहवा देते हैं पानी पर। अब भवाते हैं शीतला माँ ने कुछ रक्षा करता है हम लोग, इसलिए देवी देवता के नाम पर हम लोग डार गाड़ते हैं और करम देव को मनाते हैं। आप देख रहे हैं मेरे आसपास इस वक्त सिर्फ जंगल है और इन जंगलों के बीच थोड़े बहुत घर हैं। ना यहाँ पानी है, ना खेत है, ना बिजली है, ना कोई भी आधुनिक साधन है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर आपको मांदल की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। क्या है मांदल, आइए देखते हैं। मट्टी का कुम्हार में बनाता है, वहाँ से खरीद को मैं मांदर लेके आन को और मैं घर में आन को बोकरा मार को और उसका चरसा मैं छील को साहब और चरसा छील को उसका मैं अपन हाथ में मैं बनाता हूँ, छाता हूँ और पूरा इसका फिटिंग कर को और इससे गोलिहारी मट्टी होता है उस मट्टी को मैं अकड़ी के पीस को सील में पीसता हूँ। सील में उसका पीस को उसी में फिर चावल पीसूँगा, चावल पीस का दूनी मेस करूँगा, मेस कर को उसका पूरा मसाला बनाए को तब इस में लगा को तब इसका घोटा जाता है। इसका घोटा जाता है तो कितने घोटेंगे इसका आवाज़ भी बढ़ जाएगा, कितने घोटेंगे उतनी आवाज़ इसका बढ़ जाएगा। अब बोकरा का चाम का ही बाधी साधी सब हम लोग इसका बनाते हैं, छाते हैं। अपने कलाकार छा बनाए को मैं अपने डार गाड़ को बड़ी सेवा करता हमारी जनजातीय लोक संगीत की यात्रा यहीं तक थी, लेकिन ये यात्रा अभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि यात्रा इन वादियों, इन हवाओं की तरह हमेशा चलती रहेगी। ये यात्रा अपने अलग अंदाज और अपने अलग रंगों के साथ हमेशा चलती रहेगी। नमस्कार। Oh, my God.